नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं अकबर की। अकबर को जानने वाले लोगों को अक्सर ये दिमाग में रहता है कि अकबर अच्छा था या बुरा था, क्योंकि जो उसे जानते हैं वो उसके बारे में कुछ अच्छी बातें भी जानते हैं और कुछ बुरी भी जानते हैं। लेकिन अकबर क्या था, कैसा था, उसके रूल्स क्या थे, उसने क्या क्या काम किए थे, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और साथ ही उसके कुछ ऐसे कामों के बारे में बताएंगे जो शायद ही किसी को पता होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अकबर की सल्तनत की। मुगल साम्राज्य की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? बाबर वो थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य की सबसे पहले शुरुआत करी थी। फिर उनके बेटे हुमायूं ने इसकी कमान को संभाला था। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो के बेटे थे अकबर, जिनको हम सभी जानते हैं। लेकिन अकबर का जो रियल नेम था वो जलालुद्दीन मोहम्मद था। ये अकबर जो नाम है ये उनकी जनता ने उन्हें दिया था, और इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी छुपी हुई है। चलिए बात करते हैं अकबर के कामों की। अकबर ने ऐसे कौन से काम किए थे जिससे प्रेरित होकर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सबसे पहला काम जो उनका सबसे ज़्यादा महत्व वाला माना जाता है वो है तीर्थयात्रा कर और जजिया को हटाना। जजिया कर और तीर्थयात्रा कर दो ऐसे कर थे जो हिंदुस्तान में रहने के लिए दिए जाते थे। तीर्थयात्रा कर क्या होता है कि जब भगवान के दर्शन के लिए हिंदू समाज के लोग तीर्थयात्राओं पर जाते थे और उसके लिए उन्हें कर देना पड़ता था। इन दो करों को हटा के मुगल साम्राज्य के अकबर हिंदू समाज के सबसे ज़्यादा प्रिय बन गए। इसके साथ ही अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। साथ ही उसने 1571 में फतेहपुर सीकरी नामक राज्य की भी स्थापना करी। दीन इलाही धर्म है क्या? इस धर्म में हर धर्म की अच्छी बातों को जोड़ के अकबर ने एक ऐसा धर्म बनाया जिसमें हर इंसान को इंसान नियत से देखा जाएगा तथा उसे किसी भी ऊंच नीच के मुकाबले नहीं रखा जाएगा। साथ ही एक प्रेम भावना को उबारने के लिए इस धर्म की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अकबर की शुरुआत की। अकबर की शुरुआत कहाँ से हुई? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, जिसके साथ ही उनकी कई सारी जिम्मेदारियां उन पर बढ़ती चली गईं। 13 साल की उम्र में ही उन्हें मुगल साम्राज्य का राजा बना दिया गया। 14 फरवरी 1556 में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह मुगल साम्राज्य के पहले सबसे छोटे नाबालिग शासक बन गए। साथ ही उन्होंने अपनी कई सारी नीतियों को समझा। उनके चाचाओं के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया तथा उन्हें कई तरह की राजनीतिक व धार्मिक ग्रंथों से नवाजित किया गया। उनकी परवरिश में सबसे पहला हाथ उनकी दाई माँ महामंगा का था। कहने को वो सिर्फ उनकी दाई थी लेकिन वो मुगल साम्राज्य की महामंत्री भी थीं, इसीलिए हर फैसले से पहले वे उनकी राय ज़रूर लेते थे। वैसे तो उनकी माँ अक्सर उनके साथ ही होती थी लेकिन राज्य की पहर के लिए उन्हें साल में कम से कम 9 महीनों तक पूरे राज्य का दौरा करना पड़ता था, जिसके तहत वो अक्सर राज्य से बाहर ही रहती थी। इसके साथ ही अकबर ने कई सारे ऐसे कानूनों को रद्द कर दिया जो इंसानियत को दबा के रखते थे। सबसे पहले तो एक सबसे बेकार कानून जिसे कहा जाता है वो था कैदियों को बंदी बना लेना तथा उनके परिवार वालों को बाजार में नीलाम कर देना। जब अकबर को इस बात का पता चला कि हम कैदियों को बंदी बना लेते हैं तथा उनके बीवी बच्चों को बाजार में नीलाम कर देते हैं, तो इस प्रथा को तुरंत रोकने का आदेश दिया। साथ महामंगा की निगरानी में इस फैसले की कार्यवाही की गई। अकबर ने इस फैसले को ना केवल बंद करवाया बल्कि अन्य साम्राज्यों के साथ भी पर रोक लगाने व एक शांति का माहौल बनाने का भी फैसला किया। अकबर के इस कानून से लोग सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए तथा सैनिकों को बंदी बनाने वाली प्रथा ख़त्म हो गई। इसके साथ ही अकबर सबको एकता में बांधना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इबादत खाने की स्थापना करी। इबादत खाने में कोई भी आ सकता था और ये हर धर्म के लोगों के लिए खुला था। इसमें कोई भी आके अपनी श्रद्धा से ध्यान लगा सकता था। इसी तरह के कई काम उन्होंने करे थे। अकबर का शासन 1556 से लेकर 1605 तक रहा, फिर उनकी मृत्यु हो गई अतिसोर के कारण। अतिसोर एक तरह की लूज मोशन की बीमारी होती है जिसके तहत पानी की कमी हो जाती है शरीर में। ये लाइलाज बीमारी थी उस समय की, इसीलिए
इससे पीड़ित होकर शाहजहां की मृत्यु हो गई। लेकिन इससे पहले भी उसके कई सारे नियम थे। शाहजहां का एक ऐसा नियम जिसके बारे में आपने शायद बहुत ही कम सुना होगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शाहजहां को सर झुकाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी के कारण उसने बेटियों का विवाह तक नहीं किया था। जी हाँ, ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। सिर्फ सर ना झुकाने की वजह से अकबर ने अपने तीनों बेटियों को ताउम्र कुंवारा ही रखा था। अपने शासन काल में अकबर ने बहुत सारे युद्धों में विजय हासिल करी थी। उसने कई सारे ऐसे इतिहास भी रचे हैं जिनके बारे में आज हम सभी जानते हैं। अकबर ने शेरशाह सूरी जैसे महाशक्तिशाली योद्धा के आक्रमण को भी बंद करवाया था। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पानीपत की लड़ाई में हिंदू राजा हेमू को भी युद्ध में पराजित किया था, जिसके तहत कई सारी कहानियां उनके सामने आई हैं। अकबर ने अपने शासनकाल में ना केवल कई सारे युद्धों पर विजय हासिल करी बल्कि शक्तिशाली शेरशाह सूरी के आक्रमण को भी बंद करवाया। साथ ही उन्होंने पानीपत की लड़ाई में हिंदू राजा हेमू को भी पराजय कर दिया। अकबर का लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज था। उसने ना केवल अलग हिंदुस्तानियों से बल्कि बहुल राजपुताना से भी राजनीतिक संबंध बनाए, साथ ही उनके यहाँ विवाह तक किया और उनको कई सम्मानित रूप में अपने पास भी रखा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।